नादरीन अस्सलाम वालेकुम, आज 19 जुलाई और मंगल का दिन है। मैं हूं आपका मेज़बान शकील नायक। सबसे पहले हम आपकी खिदमत में एक अहम खबर पेश करें। नादरीन, जैसा कि पंजाब में 20 जो सूबाई हलकों के ज़मनी इंतखाबात हुए, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 15 और मुस्लिम लीग नून ने 4 और 1 आज़ाद उम्मीदवार ने जीती, जिसके बाद जो अददी अक्सरियत है उसमें इनफरादी तौर पर PTI जो है वो अक्सरियत हो गई है। अब वज़ीर आला के इंतखाब 22 जुलाई को है। 3 दिन के बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी लाहौर पहुंच गए, उन्होंने जोड़ तोड़ शुरू कर दिया। और आज एक अहम तरीन डेवलपमेंट ये हुई है कि मुस्लिम लीग काफ के 8 अरकान पंजाब असम्बली ने चौधरी शुजात हुसैन पर एतमाद का इजहार कर दिया। नादरीन, इससे वाजह और दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 16 अरकान पंजाब असम्बली ने वज़ीर आला के इंतखाब के रोज़ वोट ना देने का फैसला किया है। अगर इस तरह को जो है वो 16 अरकान उनके ना आए और मुस्लिम लीग काफ के 8 जो अरकान है वो या तो असम्बली में ना आए या फिर उन्होंने हमजा शहबाज की हिमायत की, तो इस सूरत में अददी अक्सरियत मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के हाथ में आ जाएगी और हमजा शहबाज मुंतखब हो जाएंगे। पाकिस्तान की सियासत में सब चीज़ चलता है, क्योंकि जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार थे, उसके पास सिर्फ 35 वोट थे, जबकि यूसुफ रज़ा गिलानी के पास 65 वोट थे। लेकिन जब इंतखाबात हुए तो इंतखाबात में यूसुफ रज़ा गिलानी हार गए और सादिक संजरानी 3 या 4 वोट ज़्यादा लेकर चेयरमैन सेनेट बन गए, और उसमें 5 ऐसे अरकान भी थे जिन्होंने जो है ना डबल उम्मीदवारों को वोट दिया था, और ये पूरी की साजिश थी। जब ये सारे रास्ते इमरान खान को पता हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के पास ऐसे रास्तों का पता नहीं है, या वो ये रास्ते अख्तियार नहीं कर सकते? तो इसलिए वो फारसी का 2 अल्फाज के कहावत है कि दिली दूर अस्त। इमरान खान के लिए पंजाब की वजारत आला का हुसूल बहुत ही मुश्किल है। आइंदा सिर्फ 3 दिन के अंदर सूरत वाज़ेह हो जाएगी। और मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लाहौर में डेरे डाल दिए, और इम्कान यही हैं कि वो इमरान खान की जो माजी में की गई गेम है उस पर वो भी अमल करेंगे, और वो ऐसा तरफ का पत्ता फेंकेंगे जिससे हमजा शहबाज वज़ीर आला मुंतखब हो सकते हैं। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की ब्रेकिंग न्यूज़। हम आपसे तबीयत गुजारिश के बेल आइकन के बटन को प्रेस करके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आप खबर मिल सके। शुक्रिया।